आई होप आप सब देख सकते हैं। योर कैंडल बुझ गई बेबी ब्लू, बेबी ब्लू आई नो व्हाट शी डिड टू यू। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बट हाय गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज तलहा और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बेबी ब्लू चैलेंज। तो इस चैलेंज की स्टोरी ये है कि एक सोल्जर था और डेजी ब्लू जो थी उसने एक सोल्जर से शादी की थी और उनका एक बच्चा था, मगर वो सोल्जर जो था वो वॉर में मारा गया था और उसका जो बच्चा था और वो बहुत डिप्रेस्ड हो गए थे। उसका बच्चा बिल्कुल छोटा था, वो डेजी ब्लू बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी तो वो बहुत अजीब सी हरकतें करती थी, उसका बच्चा भी हमेशा रोता रहता था। और एक दिन क्या हुआ कि उसका बच्चा रो रहा था और उसका हाथ एक शीशे से टकराया, जो शीशा था वो नीचे गिर गया, नीचे गिर के वो शीशा टूट गया। और डेजी ब्लू तो बहुत पागलों वाली हरकतें करती थी तो उसने वो टूटा हुआ शीशा उठाया और अपने बच्चे को उससे मार दिया। और फिर उसको पता नहीं क्या सूझी तो उसने खुद को भी उस शीशे से मार लिया। तो गाइस इसी के बारे में यही मशहूर है कि अगर आप मिरर के सामने 13 बार ऐसे होल्ड करके, जिस तरीके से आप बच्चे को होल्ड करते हैं उसी तरीके से मिरर के सामने कैंडल्स भी साथ हों और आप बोलें बेबी ब्लू आई नो व्हाट शी डिड टू यू या फिर ब्लू बेबी बेबी ब्लू, तो आज हम ये चैलेंज करने वाले हैं और देखेंगे कि क्या ऐसा होता है या नहीं। सो गाइस चलिए अब ये चैलेंज स्टार्ट करते हैं। सो गाइस चलिए पहले कैंडल्स ऑन कर लेते हैं। आउच। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं, मुझे बहुत डर भी लग रहा है वैसे। बेबी ब्लू आई नो व्हाट शी डिड टू यू, बेबी ब्लू आई नो व्हाट शी डिड टू यू, बेबी ब्लू आई नो व्हाट शी डिड टू यू, बेबी ब्लू आई नो व्हाट शी डिड टू यू, बेबी ब्लू आई नो व्हाट शी डिड टू यू, baby blue, I know what she did to you. Baby blue, I know what she did to you. Baby blue, I know what she did to you. Baby blue, I know what she did to you. Baby blue, I know what she did to you. Baby blue, I know what she did to you. Baby blue, I know what she did to you. Baby blue, I know what she did to you. Guys, फिलहाल तो कुछ भी नहीं हुआ बट मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है। मैं इस रूम में अकेला खड़ा हूँ, कोई भी मेरे साथ नहीं है, कुछ हुआ नहीं है बट मुझे आई नो मेरा वहम होगा बट मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है। गाइज मुझे गूज बम्स भी आ रहे हैं, आई होप आप सब देख सकते हैं। यार कैंडल बुझ गई शायद ये मेरे सांस की वजह से, बट स्ट्रेंज यार कैंडल्स का फ्लेम भी गाइस बहुत तेज है। तो गाइस चलिए अब दूसरा ट्राई करते हैं, ये भी हमें 13 times बोलना है। ब्लू बेबी बेबी ब्लू, 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 ब्लू बेबी बेबी ब्लू। गाइस आई डोंट नो, मैंने वहां कुछ परछाई टाइप देखी, आई नो मेरा वहम है, ये फेक नहीं है बट मुझे यही लगता है कि मेरा वहम है।
गाइस मुझे जल्दी से चैलेंज कंप्लीट करना होगा। ब्लू बेबी बेबी ब्लू, ब्लू बेबी बेबी ब्लू, ब्लू बेबी बेबी ब्लू, ब्लू बेबी बेबी ब्लू, ब्लू बेबी बेबी ब्लू। आई नो गाइस ये सब झूठ है बट पता नहीं क्यों मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। फ्लेम्स भी बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। आई डोंट नो बट क्यों, आई थिंक मुझे चैलेंज एंड करना होगा। हालांकि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बट गाइस आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, जिस तरीके से इसके बारे में मशहूर है कि आप ऐसे जैसे आपने बेबी को होल्ड किया हुआ इस तरीके से मिरर के सामने खड़े होते हो और 13 बार बोलते हो ब्लू बेबी ब्लू आई नो व्हाट शी डिड टू यू, या फिर ब्लू बेबी बेबी ब्लू, ब्लू बेबी बेबी ब्लू, मुझे उस तरीके से कोई वेट फील नहीं हुआ जिस तरीके से इसके बारे में मशहूर है। बट गाइस अकेले ये चैलेंज करने में मुझे बहुत अजीब सा गाइस फील हुआ था। शायद मुझे मैंने आप सबको बोला कि शेडो वो भी मेरा वहम हो सकता है। और गाइस वैसे भी अगर आप ये अकेले चैलेंज करते हो 12 बजे तो जाहिर है गाइस आपको कुछ ना कुछ तो फील जरूर होता है। वो कैंडल्स का हिलना या वो जो कुछ भी मुझे नेगेटिव वाइब आ रही थी आई नो वो एक कोइंसिडेंस था, बट फिर भी गाइस अकेले आपको कभी भी ये चैलेंज ट्राई नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको कुछ हो ना हो आपको डर जरूर लगता है। गाइस मैं फिर भी आप सबको कहूंगा कि आप सब ये चैलेंज कभी भी मत ट्राई करना क्योंकि गाइस नेगेटिव एनर्जी जरूर होती है, मतलब जिस तरीके से पॉजिटिव एनर्जी होती है नेगेटिव एनर्जी भी उस तरीके से जरूर होती है। आप सब ये चैलेंज कभी मत ट्राई करना। और वैसे भी गाइस कुछ फेक चैलेंजेस होते हैं और कुछ रियल भी होते हैं, ये मैं भी मानता हूँ। वैसे भी आपको इंटरनेट पे इतने सारे वाकयात मिल जाएंगे जो आप सबको सुनने में सच लगते हैं। और गाइस मैं भी यही मानता हूँ कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। गाइस आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो प्लीज, उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डर गया था बट अब आके मुझे कुछ मतलब सोचने का मौका मिला एंड आई रियलाइज कि कुछ भी नहीं था, ऐसे ही बस मेरा वहम था क्योंकि अकेले मैं चैलेंज कर रहा था तो जाहिर है डर तो लगता ही है। प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, बाय। रुको रुको रुको, ये वाली वीडियोस तो देखते जाओ और सब्सक्राइब करना मत भूलना।